हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्रोशिए का एक प्यारा सा फ्लावर पैटर्न लेके आई हूँ। ये फ्लावर इस तरह से बनेगा। इस फ्लावर को हम एक लेस पैटर्न की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको बनाना बताती हूँ। इसके लिए मैंने 12 नंबर क्रोशिए लिया है और 2 प्लाई ओन ली हुई है। तो चलिए हम ये पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉट बनाना है और 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद क्रोशिए पर धागा 2 बार घुमाना है और जो फर्स्ट वाली चेन होगी उसमें क्रोशिया डाल के इसको निकालना है। फिर ये हमारे पास 4 बन गए। 4 से हमने 3 बनाने हैं, 3 से हमने 2 बनाने हैं और 2 का 1 नहीं बनाना, 2 तक रहने देना है। फिर 2 बार धागा घुमाना, फिर इसी चेन में डालना, फिर इसके 2 बनाए, ये 3 बन गए। फिर 2 बार धागा घुमाना है, इसी नॉट में डालना है, 4 बन गए। अब 3 बार धागा घुमाना है, यहाँ डालना है, 5 फंदे आने चाहिए ये। फिर हमने 5 का 1 कर देना है। फिर इसको रॉन्ग साइड को घुमा के ये जो फर्स्ट वाला है, इस साइड से जो फर्स्ट वाला आएगा इसमें क्रोशिया डाल के इसको यहाँ पे क्लोज करना है। फिर इसी में हमने 7 टाइम और डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम डाल दिया। फिर अब इस साइड से जो ये साइड वाला आएगा 7 टाइम इसमें डालना है, कंटिन्यू रखना है इसको। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर इसको ऑपोजिट साइड को टर्न करना है और ये इस साइड वाला जो फर्स्ट होगा उसमें क्रोशिया डाल के 7 टाइम इसमें डालना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर इसको अपोजिट साइड को टर्न करके जो इस साइड वाला आएगा उसमें डालना है, इसमें भी 7 टाइम डालना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर इसको अपोजिट साइड को टर्न करके ये जो सेंटर वाला बचा इसमें हमने 5 टाइम डालना है। बाकी में हमने 7 7 टाइम डाला, इसमें हम 5 टाइम डालेंगे। 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास ऐसा बन के आएगा। अब हमने जहां पे हमारा ये 5 आया वहीं से पीछे को टर्न करके हमने 19 बार डालना है। 19 बार 1 2 3 4 5 6। यहां तक हमने ये यहां से स्टार्ट किया और 19 टाइम इसमें डाल दिया। अब इसके बाद हमने 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद इसमें डालना है, 2 का एक किया फिर इसमें डाला, फिर इसको इसमें से निकाल दिया।
अब इसके बाद जब ये बन जाएगा फिर इस साइड जाना है, फिर फोर चेन ली, फर्स्ट चेन में डालना है टू का वन करना है, सेकंड चेन में डालना है तो इसको इसमें से निकाल लेना है बिना बुने। इस तरह हमने जितने भी ये नॉट बनेंगे हर नॉट में यहाँ तक डालना है और ऐसे पत्तियां बन के आएंगी। मैं इसको आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये 14 इसकी जो पत्तियां बन गई हैं वो 14 बन गई हैं। अब इसके बाद हमने जैसे ये नीचे वाली लाइन में है ना, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्रोशिया डाल के टू का वन कर देंगे। अब यहाँ से हम सेकेंड फ्लावर अटैच करेंगे, तो हमने 5 टाइम चेन लेनी है, क्रोशिए पे धागा 5 टाइम घुमाना है और यहीं पे फिर से डाल देना है। फिर इसके 5 से 4 बनाए, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब यहाँ से हम फिर से यही वाला पैटर्न शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में जैसे 5 चेन ली, फिर इस पे धागा घुमा के फर्स्ट वाली चेन में डाला, फिर 4 के 3 बनाए, 3 के 2 बनाए। बस यहाँ से आगे हम इसको 2 का 1 नहीं बनाएंगे। फिर यहाँ पे 2 टाइम लिया, फर्स्ट वाली चेन में डाला, 3 बन गए, 5 बनाने हमने यहाँ पे, 5 फंदे जब हो जाएंगे हो गए। अब जब हम फिफ्थ वाला बनाएंगे तो यहाँ पे हमने धागा 3 टाइम घुमाना है, क्रोशिए पे धागे को 3 टाइम घुमाना है, अब हमारे पास 5 फंदे बन गए। अब हमने 5 का एक करना है, इसको ऑपोजिट साइड को टर्न करना है और जो फर्स्ट वाला है उसमें इसको क्लोज करना है। अब इसमें 7 टाइम डालना है, 1, 2, 3, 7। अब इस साइड से जो ये वाला है, इस साइड से जो फर्स्ट वाला आएगा, इसको यहां से कंटिन्यू रखना है और इसमें भी 7 टाइम डालना है, 7 टाइम डाल दिया। फिर इसको टर्न किया, फिर इस साइड वाला ये लिया, जैसे हमने यहाँ पे किया था इसका वैसा ही करना है। मैं अब आपको ये पूरा फ्लावर बना के बताती हूँ, फिर देखना ये पैटर्न कैसा बन गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर ऐसे तैयार हो गया है और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। जब हम इसको एक लेस की तरह यूज़ करते हैं तो ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसमें मोती भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।